एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है बृजभूषण शरण सिंह मामले पर। बड़ी खबर है ये, दिल्ली पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट में पॉक्सो के मामले में स्टेटस रिपोर्ट लेकर पहुंची है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस पूरे मामले में 4 जुलाई को सुनवाई होगी। तकरीबन 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। तो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। करीब 1000 पन्नों की यह चार्जशीट है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। 15 तारीख जिप्स पर आज ये सरकार की तरफ से, खेल मंत्री की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से चार्जशीट दाखिल होनी है। तो 1000 पन्नों की चार्जशीट जो है दाखिल कर दी गई है। बृजभूषण शरण सिंह पर जो यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे पहलवानों की तरफ से, उसी के मामले में। दीपक इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है। दीपक क्या कुछ पूरी खबर? देखिए, इसमें बड़ी राहत की बात कही जाएगी। राहत मिलने की बात बृजभूषण शरण सिंह के लिए होगी बहुत बड़ी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से पॉक्सो एक्ट उनके खिलाफ लगाने की बात की गई थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने आज अपनी 2 रिपोर्ट सबमिट करी है। एक स्पेशल रिपोर्ट उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में करी है जहाँ पर पॉक्सो एक्ट को लेकर मामला होता है। उनकी तरफ से ये कहा गया है, सरकारी वकील की तरफ से दिल्ली पुलिस के, कि ये एक कैंसिलेशन रिपोर्ट है जिसमें 4 जुलाई को सुनवाई होगी। वही दूसरी चार्जशीट जो है वो दाऊद एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले में दाखिल की गई है, जहाँ पर तकरीबन 1000 से ज्यादा पेज है और ये कहा जा रहा है कि ये चार्जशीट है। राहत की बात यहाँ पर ये होगी, जिस तरह से शुरुआत से ही लगातार उनके ऊपर आरोप लगे थे कि नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और इस तरह की चीजें हुई थी, तो उसको लेकर पॉक्सो एक्ट में ये मामला दर्ज करने की कवायद थी। लेकिन आज जिस तरह से कैंसिलेशन रिपोर्ट यहाँ पर दाखिल की गई है, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं उन्हें बड़ी राहत यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही है। जी,